तो वहीं खंडवा के खालवा ब्लॉक के ग्राम गधड़िया के कुछ आदिवासियों द्वारा जनसुनवाई में शिकायत दर्ज करवाई गई। इसमें उन्होंने बताया कि एक आदिवासी महिला की जमीन पर जबरन तालाब खोद दिया गया, जिसके चलते उनकी फसलें अब नष्ट हो रही है और खेत की शक्ल नाले के समान दिखाई देने लगी है। वहीं अब मामले में अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल आदिवासी महिला श्रीमती श्यामोबाई पति बांटू ने शिकायत दर्ज करवाई है कि जनपद पंचायत खालवा में वर्ष 2022-23 में उसकी जमीन पर अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कर दिया गया। इसका निर्माण रातों रात जेसीबी मशीन के जरिए करवाया गया, जिसकी राशि 23,28,000 रुपए भी निकाल ली गई। वहीं अब पीड़ित परिवार खुद अपनी व्यथा सुना रहा है। मेरे साथ है मेरा मिसेस का जमीन में उनने बिना पूछे तालाब खोद दिया। अच्छा। और तालाब खोदते घड़ी मैं गांव में नहीं था, हम दोनों में अभी भी मतलब बाहर निमंत्रण शादी क्रम में गया था। अच्छा। उसके बाद फिर गांव वाला ने रोकने को किया था, तो गांव वाला को ये बोला कि बोले शासन सर आप तो यह काम आए नहीं रुकेगा बोला। उसके बाद मैं भी आया, मैं आने के बाद मैंने भी रोका कि बोले भैया मेरा खेत जमीन है तो फालतू इसको मन नुकसान करो बोले, तो बोले नहीं ये बोले आदेश आगे आदेश आया बोले तो, और नहीं सुना हमारा कोई फायदा नहीं, इससे बल्कि नुकसान हो रहा है हमको। कैसे नुकसान हो रहा है आपका? खेत डूब गए, खेत का फसल हमको डबल फसल मिलता था वो भी नहीं मिल पाया। नीचे वाला खेत जैसे और पहला पानी फूटने के बाद नीचे वाला जमीन ये पूरा भेके मतलब कुआ था, आजा उन आजा दादा उनका हाथ का कुआ था वो भी भूज गया और खेत है तो नाला बन गए। कितने एकड़ जमीन हुई आपकी खराब? खराब हमारा 2.5-3 एकड़ की। अच्छा, कितने एकड़ में तालाब खुदा है? ये 1.5-2 एकड़ के बीच में। दोनों अलग अलग नाम के खेत है? अलग अलग है, पुनेय भाई का नाम का नीचे ही है वाला। हालांकि इस मामले में शिकायत मिलने पर जांच कराने की बात अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। उसका परीक्षण कराऊंगा, परीक्षण कराने के बाद उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। मेरे पास पहली बार संज्ञान में आया है, वो आवेदन जो जन सुनवाई भी थी वो भी मेरे पास अभी आया नहीं है, आ जाएगा तो उसको संज्ञान में लेकर उसका जांच करवाऊंगा। सर, जो दोषी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, किसानों का कहना है मतलब जो सामू भाई जिसका खेत मतलब वो निजी भूमि पट्टेदारी है, उनका कहना ये पकड़ा है, बोले हम शादी में गए हुए थे, इन्होंने रातों रात बोले जेसीबी लगाकर खुदाई कर दी। और उन्होंने मैंने बोला एक साल से आपने शिकायत क्यों नहीं की, तो बोले हमको डराया जाता है, बोले आप जाओगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो मैंने आप एक साल बाद शिकायत करने आ रहे हो। आप ही बता रहे हो, मेरे तो संज्ञान में अभी आ रही है। उनसे एक साल बाद क्यों आई, एक साल तक चुप क्यों रहे? जैसे ही खुदा मान लो जेसीबी से खुदाई होनी तो गलत ही है, और दूसरी बात अगर वो खुद गया तो हमारे पास आना चाहिए। नहीं तो सर उनका तो हमारे पास आना चाहिए था ना, हमको ये चीज जैसे आपको पता चली वैसे हमको बताना चाहिए था। उनके साथ में हम लोग डरा, कोई भी डरा नहीं सकता। नहीं तो मंत्री महोदय का क्षेत्र है और यहाँ पर कोई भी किसी को नहीं डरा सकता, उनके साफ निर्देश है। आदिवासी परिवार की पीड़ा पर अधिकारी कब तक ध्यान देते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस तरह के मामलों के खुलासे के बाद अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, खालवा।